नमस्कार मित्रों, आप सभी का इंडियन पब्लिक स्कूल लक्ष्मण के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 10th के टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। अपना टॉपिक चल रहा था इंडियन सिंपल टेंस, जिसमें मैंने आपको पांच या छह टाइप बताए थे। अब मैं कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। स्पेशली मैंने आपको बताया था कि जो टेंस होते हैं, चाहे प्रेजेंट का टेंस हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का, प्रत्येक टेंस है इसमें सेंटेंस चलते हैं। और जो ये सेंटेंस चलते हैं, ये सेंटेंस चार प्रकार के सेंटेंस हैं। पहला मैंने सेंटेंस बताया था आपको, सिंपल सेंटेंस, या फिर इसको कहते हैं आप अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला सेंटेंस बताया था मैंने, सिंपल सेंटेंस, या फिर इसको कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा बताया था मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा मैंने आपको बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और चौथा मैंने आपको बताया था इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्येक टेंस में इन चार प्रकार के सेंटेंस के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। आप सबसे पहले मैं इनकी बेसिक जानकारी, सेंटेंस की बेसिक जानकारी आई, इन बेसिक जानकारियों को बताया था और इनकी पहचान के बारे में बता रहा हूँ कि सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस होता है इस सेंटेंस के प्रारंभ में कर्ता आता है, हिंदी वाक्य और अंत में पूर्ण विराम होता है। नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, कर्ता आता है प्रारंभ में और कर्ता के बाद वाक्य बीच में नहीं आता है और अंत में लिस्ट ऑफ होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला होता है सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले, सहायक क्रिया से शुरू होने वाले, और दूसरा होता है WH वर्ड से शुरू होने वाले। आप सहायक क्रिया से शुरू होने वाले शब्द जो वाक्य होते हैं, इनके प्रारंभ में वाक्य के प्रारंभ में क्या आता है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। कर्ता और वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहां आदि आदि और वाक्य अंत्यंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। उसी प्रकार इंट्रोगेटिव नेगेटिव की दो प्रकार की होती है, HV से शुरू होने वाले और WH वर्ड से शुरू होने वाले। HV से शुरू और WH वर्ड से, ठीक है मित्रों। अब HV से शुरू होंगे तो क्या आएगा वाक्य के प्रारंभ में, और वाक्य बीच में नहीं आएगा, और वाक्य अंत्यंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। कर्ता आएगा इसके WH वर्ड से में, और कर्ता के बीच में नहीं आएगा, और कब, क्यों, कैसे, कब, क्यों, कैसे, और वाक्य अंत्यंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। ये इनकी हिंदी पहचान है। आप इन हिंदी की इंग्लिश किस प्रकार से बनाएंगे, तो देखो जो आपका अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस है, इसकी इंग्लिश मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट और वाक्य अंत्यंत में आएगा अपने पास प्रश्न। नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव इंग्लिश बनती है सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डू या डज, डू डज के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अंत में लिस्ट फॉर्म, ठीक है मित्रों। आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाला है, तो इसी में जो सहायक क्रिया है पहले आ जाएगी, डू या डज पहले, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है मित्रों। उसी प्रकार WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले हैं, सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अनिलेमेंट अंत्यंत प्रश्नवाचक चिन्ह। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले हैं, सबसे पहले
डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एलिमेंट समाचक चिन्ह। उसी प्रकार से इसमें सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में समाचक। इस प्रकार से हम सेंटेंसों की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। सिंपल सेंटेंस होता है तो वाक्य के प्रारंभ में कर्ता होता है, वाक्य के अंत में पूर्ण विराम होता है। इंग्लिश उसके क्या समझाते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं अगर कर्ता बहुवचन है तो, और यदि कर्ता एकवचन है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट और अन्य कोई एलिमेंट होता है वो वाक्य आता है अंत में प्लस का प्रयोग। नेगेटिव सेंटेंस वाक्य प्रारंभ में कर्ता आएगा और वाक्य मध्य में नहीं आएगा तो वो नेगेटिव सेंटेंस होता है और अंत्येतर पूर्ण विराम है। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद डू या डज का प्रयोग करेंगे, डू डज के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट और अंत्येतर का प्रयोग करेंगे प्लस का। अब इन सारे स्ट्रक्चरों में सबसे मेन बात यह डू डज का प्रयोग कहां किया जाए। अब मैं बता रहा हूं कि डू का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ, डू का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ और डज का प्रयोग एकवचन कर्ता के साथ किया जाता है। डू का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ और डज का प्रयोग एकवचन कर्ता के साथ किया जाता है। ठीक है मित्रों, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, ये इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव नहीं इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले और एक डब्ल्यूएच वर्ड से प्रारंभ होने वाले। अब सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले और डब्ल्यूएच वर्ड से प्रारंभ होने वालों में क्या अंतर है? देखो, यदि कोई हिंदी वाक्य है और उस हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या आता है, वाक्य अंत में इंटरोगेटिव साइन आता है तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, तो वो कौन सा? सहायक क्रिया से शुरू होता है। दूसरा है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यूएच वर्ड से प्रारंभ होने वाला, यदि वाक्य हिंदी वाक्य उसके प्रारंभ में कर्ता आता है, वाक्य बीच में कब क्यों कैसे कहां जैसे कोई शब्द आए और वाक्य अंत में समाचक चिन्ह आए तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है डब्ल्यूएच वर्ड से प्रारंभ। अब इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, तो जो सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाला होता है उसमें सबसे पहले सहायक क्रिया लगेगी और जो डब्ल्यूएच वर्ड से प्रारंभ होने वाला होता है उसमें सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो डू डज सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद जो एलिमेंट है वो और अंत में इंटरोगेटिव साइन का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार डब्ल्यूएच वर्ड से प्रारंभ, तो सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड, डब्ल्यूएच वर्ड के बाद सहायक क्रिया से जो प्रारंभ होने वाला स्ट्रक्चर है उसी का प्रयोग करेंगे। डब्ल्यूएच वर्ड के बाद डूडज, डूडज के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट और अन्य कोई एलिमेंट है तो वो वाक्य बीच में आएगा और अंत में समाचक चिन्ह। ठीक है मित्रों, इसके बाद अब मैं आपको बताता हूं कि इंट्रोगेटिव जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव से ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव उत्पत्ति है। इधर देखो, सिंपल सेंटेंस से ही नेगेटिव उत्पत्ति हुई है, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस से ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव उत्पत्ति हुई है। तो इंट्रोगेटिव, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी दो ही प्रकार के होते हैं, सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले और डब्ल्यूएच वर्ड से प्रारंभ होने वाले। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसों की पहचान है उन इंट्रोगेटिव सेंटेंसों के बीच में यदि नहीं का प्रयोग हो जाता है तो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले और डब्ल्यूएच वर्ड से प्रारंभ होने वाले दो प्रकार के हैं तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी दो ही प्रकार के होंगे, सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले और डब्ल्यूएच वर्ड से प्रारंभ होने वाले। सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले वही वाक्य प्रारंभ करता है, वाक्य बीच में नहीं आएगा, वाक्य अंत में इंट्रोगेटिव साइन आएगा। इस प्रकार से स्ट्रक्चर है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, उसी स्ट्रक्चर में मध्य में बीच में अपन नॉट का प्रयोग कर देंगे तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है।
प्रकार से एक टेंस के अंतर्गत हम चार प्रकार के सेंटेंसों का अध्ययन करते हैं। सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये चार प्रकार के सेंटेंस होते हैं। ये चार प्रकार के सेंटेंस हम एक सेंटेंस एक टेंस के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो ये अपना कंप्लीट प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के बाद हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात करते हैं। आइए एग्जांपल्स के बारे में इसके बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको सिंपल जो सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंस के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बता दिए, टाइप भी इसके पांच चार बता दिए। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव इनकी बात हम कर रहे हैं। मैदान का क्रिकेट नहीं खेलते हैं। सेंटेंस है आपका, वे मैदान पर क्रिकेट नहीं खेलते। सबसे पहले पहचान लो हैं प्रेजेंट टेंस, ताती ते प्रेजेंट या सिंपल टेंस। ठीक है, सेंटेंस जब अभी ये टेंस हुआ आप सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले वाक्य का आरंभ सब्जेक्ट, वाक्य का अंत में प्लेस्ड हो, सिंपल सेंटेंस है लेकिन बीच में नहीं आ रहा है तो नेगेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के बीच में जब नहीं आ जाता है तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ठीक है मित्रों, आप नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखो। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डू या डज, डू डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू डज के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट में सिस्टम। ठीक है मित्रों, सब्जेक्ट क्या है दे, तो दे डू डज दे के साथ एक होता है ना बहुवचन, बहुवचन डू आएगा। उसके बाद डू नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलने की प्ले, क्या क्रिकेट कहां ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से आप इंग्लिश निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम मेरी जन्मदिन, क्या तुम मेरी जन्मदिन पार्टी के लिए, क्या तुम मेरी जन्मदिन पार्टी के लिए तैयार हो, क्या तुम मेरी जन्मदिन पार्टी के लिए तैयार हो। देखो मित्रों, मैंने आपको बताया था कि देखो क्या तुम मेरी जन्मदिन पार्टी के लिए, क्या आपके प्रारंभ में जब क्रिया का प्रयोग नहीं होता तो मैंने आपको बताया था कि इजेम आर का प्रयोग करना पड़ता है, इजेम आर का प्रयोग करना पड़ता है जब क्रिया का प्रयोग नहीं होता। तो देखो सबसे पहले तुम यू, यू के साथ इज आएगा, क्या आ जाएगा आर, यू आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रेडी किसके लिए, फॉर मेरी जन्मदिन पार्टी, माय बर्थडे पार्टी और अंत के समाचार। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से हम कुछ सेंटेंसों के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगला आपका है सेंटेंस, क्या सीता अपने मित्रों के साथ एक पत्र
क्या सीता अपने मित्रों के साथ एक पत्र नहीं लिखती है? नहीं लिखती है तो सबसे पहले टेंस पहचाने है, प्रेजेंट टी, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट का सिंपल। ठीक है मित्रों, अब देखो सेंटेंस पहचाने क्या और प्रश्नवाचक चिन्ह। इंटरोगेटिव सेंटेंस लेकिन नहीं आता इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव में कौन सा वाक्य प्रारंभ में क्या आता है? तो सहायक क्रिया से प्रारंभ होने। अब सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर सबसे पहले सहायक क्रिया, डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अंत में कुछ है जो हमें प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले देखो सब्जेक्ट क्या, सीता। तो सीता एक वचन या बहुवचन? एक वचन। तो किसका प्रयोग करेंगे हम? डज। फिर नॉट, फिर लिखने की राइट, वर्ब वर्ब क्या लिखना, राइट। फिर क्या चाहिए अपन को? एक पत्र, ए लेटर, ए लेटर किसके साथ? विद हर फ्रेंड्स और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से हम सेंटेंस का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, नेक्स्ट सेंटेंस है तुम अपने माता पिता के साथ, तुम अपने माता पिता के साथ तुम अपने माता पिता के साथ फुटबॉल कब खेलते हो? तुम अपने माता पिता के साथ फुटबॉल कब खेलते हो? तो देखो मित्रों, ऐसे प्रेजेंट टेंस, ऐसे प्रेजेंट सिंपल। तो सबसे पहले सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस देखो तुम और यहां देखो पूर्ण विराम, तो सिंपल सेंटेंस है लेकिन वाक्य बीच में क्या रहा कब, तो ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव भी कौन सा? डब्ल्यू एच वर्ड से प्रारंभ होने वाला। इंटरोगेटिव भी कौन सा? डब्ल्यू एच वर्ड से प्रारंभ होने वाला। तो देखो डब्ल्यू एच वर्ड से प्रारंभ होता है स्ट्रक्चर, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, तो डब्ल्यू एच वर्ड क्या है? कब, सहन। उसके बाद डू डज, नहीं पता, पता क्या है? तुम, यू, यू के साथ क्या है? डज, डू। व्हेन डू यू क्या खेलना, प्ले, वर्ब। व्हेन डू यू प्ले अब फुटबॉल विद योर पेरेंट्स, विद योर पेरेंट्स अंतिम प्रश्नवाचक चिन्ह। तो मित्रों इस प्रकार से हम हिंदी वाक्यों की इंग्लिश निर्माण करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल्स आप देखें। सेंटेंस है क्या मोहन, क्या मोहन एक पाठ याद करता है? रसोई में
भोजन कब बनाती है? नेक्स्ट है, क्या तुम अपने मित्रों के साथ घूमने नहीं जाते हो? अगला है, गीता गीता एक पत्र क्यों नहीं भेजती है? अगला है, कपड़े क्यों निचोड़ते हैं? ठीक है मित्रों, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनका आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करें। सबसे पहले ट्रांसलेशन करने के नियम है कि सबसे पहले आप जो आपका हिंदी वाक्य है उस हिंदी वाक्य में टेंस की पहचान करें। टेंस की पहचान हो जाने के बाद जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में पहचान करें। सबसे पहले आप हिंदी वाक्य है उस हिंदी वाक्य में टेंस की पहचान करें। टेंस के बाद सेंटेंस की पहचान करें और सेंटेंस के बाद उस सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या है उस स्ट्रक्चर के हिसाब से आप हिंदी वाक्य की इंग्लिश बनाएं। मैंने सारे सेंटेंस आपको बता दिए हैं और सारे सेंटेंसों की मैंने सारी स्ट्रक्चर आपको बता दी है। इसलिए मित्रों, आप प्यारे विद्यार्थियों, आप हिंदी से इंग्लिश निर्माण के किसी भी तरीके को ना छोड़ें और सारे तरीके आप फॉलो करें। ठीक है, धन्यवाद।